मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि पेपर स्टैंड पे 3 बजे तक पेपर रहते हैं और 4 बजे का है। परसों 3:10 को देखा तो पेपर स्टैंड पे पेपर थे, 3:50 को गायब। कल भी 3:15 को देखा तो सारे पेपर थे, 3:45 को सारे पेपर गायब। यानी ये पक्का है कि पेपर 3 से 4 के बीच में गायब हो रहे हैं। अब्दुल, इसे गायब होना नहीं कहते, इसे चोरी कहते हैं। अभी दोनों कंपाउंड में चलते हैं और आज इस चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं। चलो चलो। यस, चल। बुले भाई, हाँ वो देखिए। कौन, किधर? पेपर स्टैंड। वो तो मुझे भी मालूम है पेपर स्टैंड वहां पे है, मुझे क्या बता रहे हो? नहीं नहीं बुले भाई, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी 3:10 हुए, बराबर, पेपर अभी भी पेपर स्टैंड पर है। हाँ, मतलब अभी तक पेपर चुराया नहीं है, आता ही होगा। यस। चल। अरे उधर कहाँ जा रहा है, छुपना है, इस तरफ आ। यहाँ से दिख रहा है अब्दुल, कहीं और छुपना पड़ेगा। चल अब्दुल, अरे यहाँ से दिख रहा है, इस तरफ। सखरा में ना अपना, किस दिन काम आएगा। आजा। हाँ, ये एंगल सही है, अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। तुम ये क्यों घर से लेके आए? बड़े भाई, वो गलती से मैं भूल गया। देख रे, मैं भी रखने जाऊंगा, वो आ गया तो ना दे। चलो चलो फ्रेंड्स, गार्डन चलते हैं। चलो चलो चलो। ये फ्रेंड, वो देखो, भीड़ अंकल और अब्दुल भाई, ये लोग यहाँ पर क्यों छुपे? अच्छा, बड़े लोग छुपा छुपी खेल रहे हैं, चलो हम भी जाकर खेलते हैं। चलो। नहीं गोगी, I'm sure वो छुपा छुपी नहीं खेल रहे, शायद वो किसी के ऊपर नजर रख रहे हैं। चलो चलकर पूछते हैं, कहीं हम पर तो नजर नहीं रख रहे। नहीं, पर एक मिनट, हम लोग ने कुछ किया ही नहीं तो हम पे वॉच क्यों रखेंगे? जरूर कोई दूसरी बात है। फ्रेंड्स, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर छुपकर उन पर वॉच रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो लोग किस पर वॉच रख रहे हैं। ये अच्छी गेम है, वॉचमैन वॉचमैन खेलते हैं। चलो चलो फ्रेंड्स, छुपते चलो। उधर चलो। ये हाथ में रकम ही लेके ऐसे क्यों बैठा है? अरे क्या, तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? चाचा जी गड़बड़ कर देंगे। मैं समझाता हूँ। हाँ। अरे अरे इधर इधर। दादाजी को क्यों पकड़ा? लगता है दादाजी आउट हो गए। सॉरी सॉरी। आई आई बैठी बैठी। अरे क्या बैठी है, क्या हुआ बोल? चाचा जी, रोज दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच में हमारे पेपर स्टैंड में से कोई पेपर चुराता है। हाँ, हम लोग उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, इसलिए छुप कर बैठे हैं। नहीं नहीं बराबर है, उसको पकड़ना चाहिए। हाँ, आप भी छुप जाइए। यहाँ से दिख जाएंगे। नहीं नहीं चाचा जी, यहाँ पे दिख जाएंगे हम लोग। चाचा जी वहां से आप दिख सकते हैं। अरे काय से कुत्ते घुसता है कोई। हाँ मिल गया ना, शाबाश। फाइनल। दादाजी वहां क्यों छुपे हैं? अभी पता चल जाएगा। दादाजी भी वॉचमैन वॉचमैन खेल रहे। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। अभी तक नहीं आया। बेशिस्त है, बेशिस्त। इस देश में वक्त किसी को कदर ही नहीं है। ट्रैफिक में अटक गया होगा। ट्रैफिक? पकड़ते।
ये तो वापस रख रहा है पेपर। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या पता यार। ये तो रद्दी वाला आमिर चंद है ना। अब्दुल कहीं अपना धंधा बढ़ाने के चक्कर में ये तो चोरी नहीं करता। वो देख उस तरफ देख रहा है, वो देख। नहीं नहीं भिड़े भाई, वो ऐसा नहीं कर सकते, ईमानदार आदमी है। नमस्ते सेक्रेटरी साहब। नमस्ते। सेक्रेटरी साहब कुछ प्रॉब्लम? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे क्यों बैठे? वो स्कूटर को जरा देख रहे थे, कुछ स्कूटर में प्रॉब्लम है ना, वो जरा चेक कर रहे थे। ओ अच्छा अच्छा, कोई रद्दी वगैरह है आपके पास? तुम जाके आओ ना, मैं बाद में बोलता हूँ। देखे ना रद्दी वगैरह कुछ हो तो। अरे मैंने बोला ना मैं बाद में बोलता हूँ, जा ही नहीं रहे। आमिर चंद बोला। हाँ आया आया आया। वाह भला उस आदमी का। पूरी टप्पू सेना भी चोर को पकड़ने छुपी हुई है। अरे वाह, अब तो चोर बचकर जा ही नहीं सकता। पोपट भाई इतने दिनों से पेपर गायब कर रहे थे। पेपर वाले पोपट चोर? पोपट वाले पेपर चोर? ये तो घर जा रहा है। चोर चोर चोर, रुक रुक चोर, रुक चोर। कौन दौड़? चोर चोर चोर। अरे बाप, हाय हाय, हमारी सोसाइटी में चोर 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 चोर। कहाँ है चोर पपटलाल भाई? चोर कहाँ है? कहाँ है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। अरे पर अभी आप चिल्ला रहे थे चोर चोर, कहाँ है चोर? हाँ। वो तो ये भिड़े और अब्दुल चिल्ला रहे थे, इसलिए मैं चिल्ला रहा था। क्या भाई भिड़े, कहाँ है चोर? इधर है भिड़े मास्टर। चोर? चोर मेरी आंखों के सामने है। कहाँ? कहाँ है? तुम पोपटलाल, तुम चोर हो। क्या पोपटलाल भाई? जी पोपट भाई पर चोरी का इल्जाम, आज तो सोसाइटी में जरूर हंगामा होगा। भिड़े? मैं ऐसा मजाक अच्छा नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, मैं सीरियस हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई सोसाइटी की प्रॉपर्टी चोरी करते हुए? पोपट तू? तू पोपट? पोपट तू? भिड़े तुमने मुझे चोर का पत्रकार पोपटलाल को, पर वो भी पूरी सोसाइटी के सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती? पोपटलाल भाई शांति शांति। नहीं कोमल भाभी, अब सोसाइटी में शांति नहीं अशांति होगी, क्रांति होगी। अरे भाई भिड़े ने मुझे एक कुंवारे को चोर कहा। इसमें कुंवारे कहां से बीच में आ गया? कोमल भाभी
अगर हाथी भाई का कोई चोर खाए तो आप शांत रहेंगे? नहीं, हम उनके घर का भी सारा खाना खा जाएंगे। गोली और बुड़बक तुमने क्या कहा? हंस बच्चों तुम लोग जरा गार्डन में जाकर खेलो ना। आंटी प्लीज खड़े रहने दो ना प्लीज। खोकी बच्चों जिद नहीं करते, ये बड़ों की बात है, तुम लोग जाओ जाओ गार्डन में जाके खेलो जाओ। जी दादाजी। चलो फ्रेंड्स। वो बेबी अब बोलिए सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपट लाल को आपने चोर क्यों कहा? पोपट भाई आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, मैं शांत नहीं रह सकता, भिड़े ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। मैं इतनी लड़की देखने गया, किसी लड़की के घर वाले ने तक मेरा इतना बड़ा अपमान नहीं किया। आज भिड़े को बताना ही पड़ेगा कि इसने मुझे चोर क्यों कहा। हाँ भिड़े भाई बताइए ना आखिर हुआ क्या है। बता दो अंजलि भाभी, पिछले कई दिनों से दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच में हमारे इस पेपर स्टैंड में से न्यूज़पेपर गायब हो रहे थे। तो आज मैं चाचा जी और अब्दुल यहाँ पर छुप कर बैठे थे ये देखने के लिए कि आखिर पेपर चोरी कौन कर रहा है। तो आज पता चला कि चोर और कोई नहीं, अपनी सोसाइटी के माननीय सदस्य कमिटी मेंबर खुद पत्रकार पोपट लाल है। पेपर चोरी? अबे जवानों ने भिड़े भाई। अरे? पोपट भाई ने रद्दी तो ली है, चोरी कहाँ की है? नहीं दया भाभी, चोरी रद्दी की हो या धन दौलत की, चोरी का इल्जाम चोरी का इल्जाम होता है। सुना आपने चाचा जी क्या बोला इसने? सुना आपने, ये खुद बोल रहा है कि रद्दी हो या धन दौलत, चोरी आखिर चोरी होती है। भिड़े तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो, शिक्षक के नाम पे तुम धब्बा हो धब्बा। पोपट लाल अपनी जबान को लगाम दे और तुम अपना इल्जाम वापस लो। अरे अरे सुनो मेरी बात सुनो। अरे भाई पोपट, अरे भिंडी मास्टर को तो सिर्फ ये पता लगाना था कि ये पेपर कौन लेके जाता है। हाँ तो चाचा जी पहले सिर्फ पता करना चाहिए था ना कि अखबार कौन ले जाता है और क्यों ले जाता है, या तो बिना सोचे समझे सीधा चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्यों? पोपट भाई शांति रखिए। अरे जाने दो ना पोपट लाल, भिड़े मास्टर को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। नहीं नहीं हाथी भाई, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। देखो देखो, और सिर्फ मैंने नहीं चाचा जी ने और अब्दुल ने भी देखा है पोपट लाल को। क्यों चाचा जी? हाँ वो मैंने भी देखा, पोपट ने पेपर लिया। नहीं नहीं लिया नहीं, चोरी किया। अरे क्या चोरी चोरी लगा रखा है, दोपहर के बाद अखबार पढ़ता कौन है? मैं सोसाइटी का मेंबर और माननीय कमेटी मेंबर होने के नाते मेरा भी हक है इस अखबार पर। शांत पोपट भाई शांत। हाँ है ना हक है, लेकिन वो हक यहाँ पर खड़े रह के पेपर पढ़ने तक ही सीमित है। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम पेपर घर पे लेके जाओ। सही बात है सही बात है। एक बात बताओ भिड़े, आज तक जो अखबार पुराना हो जाता था उसे कौन घर ले जाता था? मैं, मेरा काम है ये। That's all my lord. सुन लिया चाचा जी? खुद अखबार घर ले जाते हो तो वो काम है, और मैं ले जाता हूँ तो चोरी है। खुद रद्दी के पैसे खाते हो और इल्जाम मुझ पर लगाते हो। क्या हमारा गोकुल धाम पूर्व क्षेत्र बन रहा है? अब सामने लागे। क्या बोला तुमने? मैं रद्दी के पैसे खाता, मतलब तुम ये कहना चाहते हो पोपट लाल की सोसाइटी के रद्दी के पैसे मैं अपने काम के लिए वापरता हूँ, अपने घर के लिए वापरता हूँ? हाँ। अरे आप दोनों में से कोई तो शांत हो जाइए। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अरे भाई देखो, इस तरह से झगड़ना ठीक नहीं है। छोड़ो ना बड़े मास्टर, पोपट लाल की बात को दिल पे मत लो, उसने गुस्से में कह दिया, खत्म करो बात को। अरे क्या गुस्से में बोल दिया हाथी भाई, क्या गुस्से में बोल दिया? अरे पोपट लाल ने तो आज हद कर दिया हद। हाथी भाई मेरे जीवन में 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं की है, और ये पोपट लाल मुझ पे सोसाइटी के रद्दी के पैसे खाने का इल्जाम लगा रहे। पोपट लाल सोसाइटी के रद्दी का 1-1 पैसे का हिसाब है मेरे पास, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के रद्दी के पैसे सोसाइटी फंड में ही जमा होते हैं। हाँ भेड़े भाई की ईमानदारी की कसम हम सब खा सकते हैं। सही बात सुना सेक्रेटरी साहब, आपने कहा था ना थोड़े टाइम बाद रद्दी दोगे, कहाँ है रद्दी? हाँ मिलेगी ना तुम्हें रद्दी, इस पोपट लाल के पास मिलेगी, बहुत सारी रद्दी मिलेगी। जाओ जाओ इसके पास जाओ। चलिए पोपट भाई, आज रद्दी का 1 रुपए भाव भी बढ़ा है।
भाई साहब आप जाइए, जैसे आपकी मर्जी। अरे क्यों जाने दिया, अरे भाव पड़ गया ऐसे तुम्हारी। चलिए पोपट भाई, आज रद्दी का एक रुपए भाव भी बढ़ा है। भाई साहब आप जाइए, जैसे आपकी मर्जी। अरे क्यों जाने दिया, अरे भाव बढ़ गया ऐसे तुम्हारी। अरे ऐश तो तुम कर रहे हो इतने सालों से, आज तक कभी भी सोसाइटी के रद्दी का हिसाब हमने तुमसे मांगा या चेक किया? भाई साहब, अरे तो मांगना चाहिए ना हिसाब, किसने बोला नहीं मांगने को, मांगना चाहिए हिसाब। मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है, एक तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी। तुमने मुझे फिर से चोर का कहूंगा, 10 बार कहूंगा, क्योंकि तुमने मेरे चरित्र पे, मेरी ईमानदारी पे इल्जाम लगाया है। अच्छा, और तुमने मुझ पर जो चोरी का इल्जाम लगाया उससे मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी? खबरदार भिड़े, अगर अभी तुमने मुझे चोर कहा तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। और खबरदार जो तुमने मुझे बेईमान कहा तो पोपटलाल से लाल पोपट बना दूंगा। देखिए देखिए सुनिए सुनिए, लाल पोपट बोल रहा मुझे भिड़े। शांत हो जाओ दोनों, और खबरदार एक दूसरे के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोला है तो। अब मेरी बात ध्यान से सुन डिब्बे, एक सेक्रेटरी होने के नाते इन सब चीजों पे ध्यान रखना भिंडी मास्टर का फर्ज है, और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पे बोलने का भी भिंडी मास्टर को पूरा हक है। और तू पत्रकार है ना, तो पत्रकार होकर तू ऐसे पेपर चुराता, मतलब ऐसे पेपर उठाता है, तो ये तेरी गलती है। और भाई भिंडी मास्टर तेरी भी गलती, तेरा तरीका गलत। तू इस पोपट को शांति से समझदारी से पूछ नहीं सकता था कि बोल भाई पोपट तुझे क्या जरूरत पड़ गई पेपर उठाने की? लेकिन नहीं, दोनों ने ऐसा झगड़ा करना शुरू कर दिया जैसे कोई गली के गुंडे हो। सुबह देता है तुम दोनों को ये है? एक शिक्षक एक पत्रकार, अच्छा लगता है ऐसा? हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बराबर। दोस्तों इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला पोपटलाल। अखबार चोर पोपटलाल, भाई ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी पोपटलाल को कि उसे अखबार चुराने पड़ रहे? और इस अखबार की वजह से भिड़े और पोपटलाल में तकरार हो गई है, वजह है अखबार, हो गई है तकरार। और अब दोनों ही शासक पक्ष और विपक्ष की तरह आरोप प्रत्यारोप करेंगे एक दूसरे पर, यानी कि बड़ा झगड़ा बड़ी लड़ाई। दोस्तों अखबार की वजह से लड़ाई शायद दुनिया में पहली बार आपने सुनी होगी, पानी को लेकर युद्ध होते हैं लेकिन अखबार को लेकर लड़ाई, ये गोकुलधाम है या कुछ भी हो सकता है। हर लड़ाई का परिणाम दुखदायक होता है लेकिन गोकुलधाम में लड़ाई का परिणाम हास्यदायक होता है, आपके लिए हंसी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।